इस वीडियो में हम जानेंगे थ्योरम नंबर 6.3, क्लास 10th का चैप्टर एंगल्स में थ्योरम नंबर 6.3 कह रहा है कि इफ़ इन टू ट्रेंगल्स, ये दो ट्रेंगल्स है ठीक है, कोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कोस्पोंडिंग एंगल अगर बराबर हो, यानी एंगल ए जो है डी के बराबर हो, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी अगर एंगल एफ के बराबर हो, यानी कोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो, आर इक्वल, देन देयर कोस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, तो उसके कोस्पोंडिंग साइड जो है एक ही रेशियो में होते हैं और इसलिए वो दोनों ट्रेंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे। यानी यहाँ पर हम पहले दो ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक है, तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन दिया है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमारा दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू टू प्रूफ प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के, ये हमें प्रूफ। अगर हम ए बी बाई डी, ठीक है, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ ला दें, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। यानी अगर हमें यहाँ पर लाना होगा पहले ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, अगर ये हमारा आ जाता है, यानी इसके कोस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ। दो फिगर सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है, कि उसके कोस्पोंडिंग एंगल बराबर हो और कोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो। तो एक तो हमारा दिया हुआ है कि सभी कोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हैं, और दूसरा अगर हम ये ला दें तो ये सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि एक लाइन डी पी, एक लाइन पी क्यू इस तरह से लेंगे कि ए बी बाई डी पी हो, ए सी बाई डी क्यू हो जाए, यानी ए बी बाई डी पी होना चाहिए और ए सी बाई डी क्यू हो जाए। इस तरह से दो पॉइंट्स लेंगे कि ए बी बाई डी पी और ए सी बाई डी क्यू हो, और फिर पी क्यू को मिला देंगे। अब चलिए हम प्रूफ करते हैं। इस ट्रेंगल में आइए, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी पी क्यू में क्या देख रहे हैं आप, एंगल ए बी साइड ए बी डी पी के बराबर है, ए बी इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, ए सी बाई डी क्यू, ए सी बाई ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी बराबर है डी क्यू के, और एक और चीज़ है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल डी पी क्यू। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रेंगल्स, तो उसके जो और भी एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, यानी एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, सी पी सी टी से एंगल बी इस एंगल के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू बाई सी पी सी टी। ठीक है, लेकिन हमारा दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई।
एंगल बी डी पी क्यू के बराबर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी डी पी क्यू एंगल डी पी क्यू बराबर होगा एंगल ई के, इसलिए एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए इसको, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू क्या है, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब जब पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया, पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया, तो यहाँ पर इस पूरे ट्रेंगल में आप देखिए पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम का हम यूज करेंगे, तो हो जाएगा हमारा डी पी बाई पी, डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, डी क्यू बाई क्यू एफ, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी पी बाई डी पी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टा कर दिया हमने, और क्यू एफ बाई डी क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वन जोड़ देंगे, यानी पी ई बाई डी पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू प्लस वन, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी ई बाई पी ई प्लस डी पी, ठीक है, बटा डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू बाई डी क्यू, डी क्यू, तो हमारा आएगा पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी दोनों को ऐड करेंगे तो डी होगा, डी ई बाई डी पी, और हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, यानी हो जाएगा डी एफ, डी एफ बाई डी क्यू। फिर अगर इसे हम उल्टा लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डी पी को ऊपर कर देंगे, डी को नीचे, और डी क्यू को ऊपर, डी एफ को नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डी पी की जगह पे, डी पी की जगह पे ए बी हम लिख सकते हैं, यानी ए बी बाई डी, और डी क्यू की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं, तो ए सी बाई डी एफ, तो हमारा क्या आया, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, यानी इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर है। उसी तरह से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ये लाइन हमने ऐसे खींचा तो ये हमारा आया, जब ये लाइन हम इस लाइन के पैरेलल ऐसे खींचेंगे तो हमारा आएगा ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ठीक है, तो उसी तरह से हम ये भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, तो हम तीनों को बराबर कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, यानी ये हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रोस्पोंडिंग साइड्स का भी रेशियो क्या है, आ गया बराबर, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, यहाँ पर सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर भी हैं और हमारा साइड का रेशियो भी बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ, जो हमें प्रूफ करना था, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम है इसे हम कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है। इफ़ इन टू ट्रेंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है, यानी एंगल एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर,
ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो अगर इक्वल हो तो देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो अभी हमने लाया सेम रेशियो, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।